हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट टू वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट टू वीडियो में हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं दो सदिशों का अदिश गुणनफल यानी स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। पिछले वीडियो में हमने दो सदिशों का अदिश गुणनफल के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लिया था, उनका ज्यामितीय निरूपण भी देख लिया था, है ना, ज्यामितीय मीनिंग भी देख लिया था और उसको बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग समझ चुके थे, कुछ प्रॉपर्टीज भी देखे थे। आगे के कुछ प्रॉपर्टीज को इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। चलिए तो बात करते हैं अदिश गुणनफल के महत्वपूर्ण गुणधर्म यानी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। पहला प्रॉपर्टीज है क्रम विनिमय नियम यानी कि कम्यूटेटिव लॉ। मान लेते हैं, माना वेक्टर ए तथा वेक्टर बी दो सदिश हैं। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर में हो जाएगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। क्रम विनिमय नियम उसमें लागू होता है। हम लोग शुरू में भी वैसे प्रूफ किए थे, यहां भी दोबारा से हम लोग देख लेते हैं ये कैसे बराबर होगा, कैसे बराबर होगा। चलिए इसको हम लोग यहां पे देखते हैं, ठीक है। मान लेते हैं, माना वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण थीटा है। तो जाहिर सी बात है, अगर मैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिखना चाहूंगा तो आप कहोगे कि सर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और इनटू में कॉस थीटा होगा ना जी। अच्छा, अगर मैं इसे लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इनटू में कॉस थीटा, क्योंकि यहां पे हमें पता है कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बराबर होगा वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड, क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई अदिश राशि ही है, है ना, ये दोनों अदिश राशि ही है, कोई संख्याएं ही होंगी और इनको गुना करेंगे। जैसे मान लो 2 × 3 करते हो और 3 × 2 करते हो तो बराबर ही ना होता है जी। क्रम विनिमय नियम इसमें लागू होता है संख्याओं के लिए। चलिए तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो यहाँ किसके बराबर होगा, बी डॉट ए के, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए के। यानी कि यहां से प्रूफ हो गया कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। क्रम विनिमय नियम इस पे लागू होता है। आपको कहोगे कि सर क्या साहचर्य नियम, भैया साहचर्य की बात ही नहीं होगी यहाँ पे, क्योंकि हम लोग यहाँ दो सदिशों की बात कर रहे हैं, तीन सदिश की नहीं बात कर रहे, हम लोग दो सदिश की बात कर रहे हैं, समझ रहे ना बात को। चलिए अगला देखते हैं वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। मैं मान लेता हूं, माना वेक्टर ए वेक्टर बी तथा वेक्टर सी तीन सदिश हैं। तो इसके लिए यहां पे हम ले सकते हैं वेक्टर ए इन डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और प्लस में वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, यह इसके बराबर होगा। यह होता है आपका वितरण नियम। चलिए इसको साबित करके देखते हैं, इसका आप प्रमाण देखते हैं। मैं यहाँ पे मान लेता हूं ए एक वेक्टर है जिसका पोजिशन वेक्टर वेक्टर ए है। अच्छा, ए एक बिंदु है जिसका पोजिशन वेक्टर वेक्टर ए है। अच्छा, उसी तरह से बी एक बिंदु है जिसका पोजिशन वेक्टर वेक्टर बी है, ठीक है, और बी सी जो है ना, बी सी वेक्टर वह वेक्टर सी दिया है, ठीक है। चलिए इसके लिए मैं यहाँ पे चित्र बना लेता हूं। ओ ए वेक्टर है, दूसरा आपका ओ बी है और एक है आपका बी टू सी। मैं यहां पे उसको ले लेता हूं, ठीक है, योग की बात हो रही है ना जी, बी प्लस सी की, तो इसलिए मुझे भी यहाँ पे उसी तरह से लेना होगा। ओ ए, यह आपका वेक्टर वेक्टर ए है, यह आपका वेक्टर बी है और यह जो सदिश दिया है यह आपका वेक्टर सी है। यहाँ पे बी ले लेते हैं, यह आपका सी हो जाएगा। तो मैं अगर ओ से बी सी को मिला दू, ओ से सी को मिला दू तो देख लो यह सदिश जो होगा इन दोनों के योग के बराबर होगा, वेक्टर ओ बी और वेक्टर बी सी के योग के बराबर हो जाएगा, यानी कि यह हो जाएगा वेक्टर बी प्लस में वेक्टर सी। अब मैं ओ ए का, वेक्टर ओ ए और ओ ए पर ओ बी का और ओ सी का प्रक्षेप लेता हूं, वेक्टर ओ बी का वेक्टर ओ ए पर प्रक्षेप ये हो जाएगा और यहां पर यह प्रक्षेप हो जाएगा, ठीक है, समझ गए ना बात को। यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं M और यहाँ पर ले लेते हैं N, समझिए बात को। यहाँ पे OM जो है वेक्टर OB का वेक्टर O, यानी कहने का मतलब वेक्टर B का वेक्टर A पर प्रक्षेप है, और MN क्या है, MN क्या है, तो MN आपका है वेक्टर C का वेक्टर A पर प्रक्षेप,
और आपका ओ एन क्या है, वेक्टर बी प्लस सी का वेक्टर ए पर प्रक्षेप, यही ना होगा आपका। ये सब तो पता है आपको, प्रक्षेप के बारे में मैंने पढ़ा रखा है आपको। चलिए मैंने इसमें रचना की, रचना में क्या किया है, रचना में क्या किया है, रचना में मैंने यहां पर क्या किया है, बी एम लंब ओ ए तथा सी एन लंब ओ ए खींचे, ये काम हम लोग किए हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बात करते हैं वेक्टर LHS लेकर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी की। तो आपको पता है, आपको पता है कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल किसी एक सदिश का परिमाण और किसी दूसरे सदिश का पहले वाले सदिश पर प्रक्षेप के गुणनफल के बराबर होता है। तो हम इसे लिख सकते हैं कि वेक्टर ए का परिमाण और इनटू में वेक्टर बी प्लस सी का, वेक्टर बी प्लस सी का वेक्टर ए पर प्रक्षेप, वेक्टर बी प्लस सी का वेक्टर ए पर प्रक्षेप यानी कि ओ एन, समझ में आया। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को ओ ए लिख सकते हैं चित्र के अनुसार, और यहाँ पे इनटू में ओ एन। अब यह ओ एन को हम चाहे तो यहाँ पे कर सकते हैं ओ एम प्लस में एम एन, कर सकते हैं अलग अलग गुना करोगे तो ओ ए इंटू में ओ एम और प्लस में ओ ए इंटू में एम एन होगा, समझ गया ना। देखिए यहां पर ओ ए, ओ ए क्या है आपका, ओ ए आपका वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है और इंटू में ओ एम जो है, ओ एम, ओ एम वह वेक्टर बी का वेक्टर ए पर प्रक्षेप है। ठीक है, प्लस इसे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और यहां पे लिख सकते हैं आपका एम एन, तो एम एन क्या है आपका वेक्टर सी का वेक्टर ए पर प्रक्षेप। तो यहां देखिए यह आपका एक सदिश का परिमाण है और गुना में उस सदिश पर, उस सदिश पर किसी अन्य सदिश का प्रक्षेप का मान, जब गुना करेंगे तो ये क्या आ जाएगा वेक्टर ए डॉट में वेक्टर बी। देख लो ओ एम क्या है, ओ एम क्या है वेक्टर बी का वेक्टर ए पर प्रक्षेप और यहां इनटू में ए का मैग्नीट्यूड है तो वो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी के बराबर होगा। प्लस यहां पे देखिए एम एन क्या है आपका, एम एन वेक्टर सी का, वेक्टर सी का वेक्टर ए पर प्रक्षेप है और इनटू में वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, यानी कि यह क्या हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी का डॉट प्रोडक्ट ही ना होगा जी। तो यहां से देख लीजिए यह साबित हो गया कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर में होगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और प्लस में वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब कुछ अन्य इससे संबंधित प्रॉपर्टी भी आपको याद रखनी होगी या इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग प्रूव कर लेते हैं। समझ लीजिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी दिया हो और डॉट में दिया हो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। तो देखो क्या करोगे आप, सिंपली मल्टीप्लाई करोगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, ठीक है, माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। तो देखिए हमने रूल में पढ़ा हुआ है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर माइनस बी इनटू में वेक्टर बी है और प्लस में, इसे मैं पलट भी सकता हूं क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी के बराबर होता है और ये हो जाएगा बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो इससे कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। उसी प्रकार से ऐसे बहुत सारे हमें करने होंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर देते तो इसको ऐसे ही नहीं तोड़ देना, दोनों को दो बार लिख लेना और इनका डॉट प्रोडक्ट जैसे अभी निकाला है ऊपर उसी तरह से यहां भी निकालेंगे, या लिखेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए और प्लस में वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। तो यहां हो जाएगा आपका वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये पलट सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिख सकते हैं, तो यह दोनों जोड़ के 2 इनटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आ जाएगा, ठीक है, और प्लस में
यहाँ पे वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो इसी तरह से जो प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़े हैं ना, उन्हीं के आधार पर हमें यहाँ डॉट प्रोडक्ट निकालना होगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं वेक्टर आई कैप, जे कैप और के कैप के पदों में व्यक्त दो सदिशों का अदिश गुणनफल, यानी कि जो आपके पास सदिश दिए होंगे इस रूप में दिए होंगे आई कैप, जे कैप, के कैप के रूप में, और उसका अदिश गुणनफल कैसे ज्ञात करेंगे। मान लेते हैं, माना वेक्टर ए बराबर में हमारे पास दिया है एक्स वन आई कैप, ठीक है, प्लस वाई वन जे कैप और प्लस जेड वन के कैप, और वेक्टर बी बराबर दिया है एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप और प्लस जेड टू के कैप, ठीक है। तो अगर मुझे इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप डॉट एक्स टू वाई कैप प्लस वाई टू जे कैप और प्लस में जेड टू के कैप, ऐसे लिखेंगे ना। चलिए अब इनका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, तो एक्स वन आई कैप में इंटू करेंगे एक्स टू आई कैप से। तो आई कैप और आई कैप आपको बता रखा है समान इकाई सदिश में जब गुना होता है तो उनका डॉट प्रोडक्ट जो होता है वह जीरो, वह वन आता है, वन आता है। और असमान होते हैं, जैसे मान लो दे और के ले लिए, तो असमान होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, जीरो आता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इसमें और इसमें गुना करेंगे तो आ जाएगा एक्स वन एक्स टू प्लस, अब देखो इसमें और इससे करेंगे तो दोनों असमान है, यहां जे है और यहां पे आई है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, और जीरो हो जाएगा तो ये सारा आपका जीरो हो जाएगा। इसमें इससे करेंगे तो ये भी डिफरेंट है, जीरो हो जाएगा। अब इसमें इससे करेंगे तो ये भी आई और यहां जे है तो जीरो हो जाएगा। यहां चलिए ये दोनों समान है, जे जे है, तो आ जाएगा वाई वन वाई टू, क्योंकि जे जे कैप और जे कैप का डॉट प्रोडक्ट वन हो जाएगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है इनटू में प्लस। अब इसमें इससे करेंगे तो ये भी अलग अलग है, जीरो हो जाएगा। ये के वाले में चलो इससे इससे जीरो, इससे इससे करेंगे जीरो, और के कैप वन, यानी कि जेड वन जेड टू बच जाएगा। यानी दो सदिशों का, दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट निकालना हो और वो आई जे के कैप के फॉर्म में दिए हो तो उनके आई कंपोनेंट, ठीक है, उनके अदिश घटकों के संगत गुणनफल करके उनका योग, समझ गया ना। यानी कि आई के घटक, जे के घटक और के घटक, जो आपके यहां अदिश घटक दिख रहा है, आई वाले के साथ आई वाले को गुना करेंगे, जे वाले में जे वाले से, और के वाले में के वाले से गुना करके खाली जोड़ देंगे, उनके अदिश घटकों का योग निकाल देंगे गुना कर करके, समझ गया ना। x1 में x2 से गुना करेंगे प्लस y1 में y2 से और z1 में z2 से। एग्जाम्पल के लिए अगर बात करें, मान लो वेक्टर a बराबर 2i कैप प्लस में 3j कैप और माइनस का k कैप दिया, और वेक्टर b बराबर 3i कैप प्लस में 2j कैप और प्लस में 2k कैप दिया, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना होगा। तो i कैप वाले के i कैप वाले कंपोनेंट के साथ तीन दुना छह प्लस इसमें इसे करेंगे छह, और दो में यहां माइनस एक है तो माइनस का दो, तो ये आपका दस आ जाएगा। तो सिंपल है ना डॉट प्रोडक्ट निकालना, बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। एक्स एक्स आई आई के घटक में आई वाले से, जे वाले में जे वाले से, और के वाले में के वाले से, क्योंकि बाकी सब तो भाई जीरो हो जाएंगे, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हमने देखा था कि अगर दो दो सदिशों के बीच का कोण निकालना होगा तो कॉस थीटा बराबर होता है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बाई में वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू में वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। अब इसको हम लोग इस रूप में बदल के देखते हैं। अगर मान लीजिए इस प्रकार के सदिश दिए गए होंगे तो कैसे उसे बनाएंगे। मैं यहाँ पे मान लेता हूं, माना वेक्टर ए बराबर में ले लेता हूं ए वन आई कैप, बी वन जे कैप, सी वन के कैप, और वेक्टर बी बराबर में ले लेता हूं ए टू आई कैप, बी टू जे कैप और सी टू के कैप, ठीक है, ऐसे ले लेता हूं। तो जाहिर सी बात है, अगर मैं यहाँ पे इस फॉर्मूले की बात करूंगा तो इसमें रखने के लिए मुझे पहले दोनों का डॉट प्रोडक्ट चाहिए। तो डॉट प्रोडक्ट अभी आपने देखा ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू और प्लस में सी वन सी टू होगा। अच्छा, दोनों के मैग्नीट्यूड की बात करें तो ए का मैग्नीट्यूड रूट अंडर ए वन का स्क्वायर प्लस बी वन का स्क्वायर प्लस सी वन का स्क्वायर हो जाएगा, और बी का मैग्नीट्यूड आपका हो जाएगा रूट अंडर ए टू का स्क्वायर प्लस बी टू का स्क्वायर प्लस सी टू का स्क्वायर हो जाएगा। यही ना हो जाएगा जी।
चलिए तो अब यहाँ पे cos थीटा बराबर फॉर्मूला में चेंज करेंगे तो cos थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, हो जाएगा दोनों का डॉट प्रोडक्ट, यानी कि वेक्टर a डॉट a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 और बाई में दोनों का अलग अलग मैग्नीट्यूड, यानी कि रूट अंडर a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर और फिर रूट अंडर रूट अंडर रूट अंडर a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। तो ये भी फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं जब इस रूप में आपके पास सदिश वेक्टर दिए गए होंगे, तब इस रूप में जब वेक्टर दिए होंगे तो ये फॉर्मूला भी हम लोग लगा सकते हैं। अच्छा, अगर इस रूप में दिया हो तो हम लोग देखे थे वहां पर कि यदि यदि मान लो यहाँ पे दोनों के बीच का कोण 90 हो, यानी कहने का मतलब कि वेक्टर ए वेक्टर बी पर लंब हो, तो हमने देखा था कि उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, मैं बताया था क्योंकि cos 90 जीरो होता है इसलिए जीरो हो जाता है। तो अगर मैं इसको इस रूप में देखूंगा तो यहां कहूंगा कि a1 a2 प्लस b1 b2 और प्लस c1 c2 का मान अगर जीरो के बराबर हुआ तो वेक्टर a वेक्टर b पर लंब होगा। दूसरा, यदि थीटा बराबर में जीरो की बात करेंगे तो थीटा जीरो के बराबर कब होगा, या 180 के बराबर हो, या 180 के बराबर, पहले जीरो वाला देख लेते हैं, ठीक है। थीटा जब जीरो के बराबर हो, यानी कहने का मतलब कि दोनों सदिश आपस में समांतर हो, वेक्टर ए वेक्टर बी के समांतर, तो जीरो डिग्री का कोण बनाएंगी, यानी कि दोनों की दिशाएं एक होंगी। अगर मैं थीटा 180 लूंगा तो वो दिशाएं विपरीत हो जाएंगी, है ना, उनको संरेख या समांतर भी ले सकते हैं, ठीक है। तो जब समांतर होगा तब क्या होगा, समांतर होने के लिए शर्तें देख लीजिए। तो हम लोग जानते हैं कि वेक्टर ए वेक्टर बी के समांतर कब होता है, जब वेक्टर ए वेक्टर बी का लैम्डा टाइम्स हो, लैम्डा टाइम्स हो। तो मैं यहाँ पे वेक्टर ए का मान ले लेता हूं, वेक्टर ए का मान था ए वन आई कैप बी वन जे कैप प्लस सी वन के कैप, और लैम्डा वेक्टर बी का मान है ए टू आई कैप प्लस बी टू जे कैप और प्लस में सी टू के कैप, ठीक है। चलिए अब उधर लैम्डा से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ए वन आई कैप प्लस बी वन जे कैप और प्लस में सी वन के कैप बराबर में यहाँ पे हो जाएगा ए टू लैम्डा आई कैप बी टू लैम्डा जे कैप और सी टू लैम्डा के कैप। तो चूंकि ये आपस में सदिश बराबर हो रहे हैं तो इनके हम लोग अदिश घटकों को आपस में बराबर कर सकते हैं, तो ए वन बराबर में ए टू लैम्डा, बी वन बराबर में बी टू लैम्डा और सी वन बराबर में सी टू लैम्डा। तो यहाँ से ए वन बाई ए टू बराबर में हो जाएगा लैम्डा, बी वन बाई बी टू बराबर में हो जाएगा लैम्डा और सी वन बाई सी टू बराबर में हो जाएगा लैम्डा, यानी कि ए वन बाई ए टू बराबर में बी वन बाई बी टू और बराबर में सी वन बाई सी टू। अगर यह तीनों बराबर होते हैं तो हम कह सकते हैं कि वेक्टर ए वेक्टर बी के समांतर है, वेक्टर ए वेक्टर बी के समांतर है, क्योंकि देख रहे हैं ना तीनों के मान लैम्डा ही आ रहे हैं, यानी कि तीनों अनुपात बराबर हो रहा है। तो अगर सदिश आपके पास दिए हो ए वन आई बी वन जे प्लस सी वन के और दूसरा सदिश ए टू आई प्लस बी टू जे और प्लस सी टू के, तो उनके अदिश घटकों का जो अनुपात होगा ना अगर बराबर होता है, यानी ए वन बाई ए टू बराबर बी वन बाई बी टू बराबर सी वन बाई सी टू होता है, तब वो दोनों सदिश आपस में समांतर होंगे। तो यही आपके सारे बेसिक कंसेप्ट है इस चैप्टर के, यही है। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करने वाले, क्योंकि आपके सारे टॉपिक हो गए, अब हम लोग सीधे एक्सरसाइज में चलेंगे और वहां पे क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। तो आपको हमारे तीन चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा, पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपका भारती भवन रवि का आंसर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से, रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे संबंधित वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए गूगल पे जाके सर्च करेंगे www.ravikantsir.in ravikantsir.in, और यहां पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स को और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारे चैनल के वीडियो कैसे लगते हैं आप लोग।